जी, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है ब्यूटीफुल से सनसेट के साथ। और हम आए थे चक्की चावल लेने के लिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना कि मैं हिमाचली शीरा की रेसिपी जो है वो फुल मतलब बनाने से लेके पकाने तक का वीडियो शेयर करूंगी। तो चावल तो मुझे मिले नहीं, पर फिर मैंने शॉप से ही ले लिए। देखिए ये वाले चावल, चावल आप ना कोई भी ले सकते हैं, पर फ्रेश वाले चावल मिले तो और भी अच्छा है। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने लिए हैं, इनको धो के अब मैंने डाल देना है भीगने के लिए। तो जितना अच्छे से भीगेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, और ये देखिए पानी से मैंने पूरे बर्तन को भर दिया है। और बाद में इसको ना मैं चेंज कर देती हूँ, कुकर में डाल देती हूँ क्योंकि चावल थोड़े से ज़्यादा थे। तो ढक के ओवरनाइट इसको जो है भीगने के लिए रख दिया था मैंने। ये देखिए इस तरह से अब ये वाला जो पानी है ना हमें ये निकाल देना है, यानी कि आप इसको फेंकिए मत। अगर आपके पास प्लांट्स है ना तो आप ये वाला पानी जो है ना प्लांट्स में दीजिए, बहुत अच्छा होता है। बल्कि एक दो बार धो के मैंने और इसमें जो है ये देखिए बिल्कुल साफ़ कर लिया है बिल्कुल। अब इसको करेंगे हम ग्राइंड। तो मेरे पास ये वाला जो ग्राइंडर है ना ये जूसर वाला है, पर आपके पास अगर दूसरी वाली मिक्सी हो ना ग्राइंड करने वाली तो और भी बेटर है। बिल्कुल बारीक आपको ये पीसना है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं ये पीस रही हूँ। चावल को ना हम ऐसे पीस लेंगे, और आप ना बिल्कुल बारीक पीसिएगा। मेरा जो है ना ये जूसर है, मतलब मिक्सी नहीं है दूसरी वाली, तो इसमें मेरे थोड़े से ना मोटे मोटे पीसे हैं। तो आप बिल्कुल बारीक पीसिएगा। और अब इसमें पानी हम डालेंगे ऊपर से। अब जो पानी है वो ऊपर होता रहेगा और जो हमारा ये गाढ़े वाला लिक्विड है ना ये नीचे रहेगा। तो और ऊपर वाला जो पानी है वो हमने फेंक देना है और फिर से इसमें पानी डालना है। ये फिर से जो पानी पानी है ये ऊपर आ जाएगा और फिर ये पानी जो हम चेंज करेंगे दो से तीन बार जो है हमें ऐसे करना है। चार बार भी आप कर सकते हैं, जितनी बार आप करोगे टेस्टी शीरा आपका बनेगा। तो ये देखिए अब ये नीचे से बिल्कुल गाढ़ा जो है बचा है। अब इसको सुखाएंगे हम। तो ये मैंने परात ले लिया है, मैंने दो परात लिए है। आपके पास कोई खुला सा बर्तन है तो आप वैसे भी ले सकते हैं। तो अब मैंने देखिए इस तरह से ये परात में जो है डाल लिया है, ये दूसरा वाला भी डाल लिया है। अब इसको रखेंगे हम धूप में, और ये एक पतला सा मैंने दुपट्टा लिया है इससे ढक देंगे ताकि चिड़िया वगैरह जो है वो ना आए। मेरे छत में ना बहुत सारी चिड़िया वगैरह आती रहती है, तो इसलिए ये दुपट्टे से मैं बहुत अच्छे से इसको ढक दूंगी और धूल वगैरह कोई वो भी ना गिरे इसलिए। तो अब मैं आ गई हूँ देखिए छत में, और आज बहुत अच्छी धूप है। तो बस अब इस तरह से अब इसको ढक देंगे। और ये है मेरा टेरेस गार्डन, तो यहाँ से मेरी काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल जो है निकलती रहती है। मेरे पिछली वीडियो आप चेक कर सकते हो। और अब ये देखिए शाम तक जो है हमारा शीरा देखिए इस तरह से सूख चुका है। और अब हम एक छुरी की हेल्प से ना इसको मतलब पलट लेंगे, तो बहुत आसानी से पलट जाता है बिल्कुल एकदम से। और अब मैं इनको एक परात में जो है वो रख लूँगी और फिर से इसको धूप लगानी है। तो ये देखिए अब मैंने एक परात में ये रख लिया है, फिर से दुपट्टे से मैंने ढक के लिया है। अब मैंने दूसरे दिन जो है फिर मैंने इसमें धूप लगानी है। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये शीरा बना है। गेहूं का शीरा जो है ना वो भी ऐसे ही होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है चावल के शीरे में और गेहूं के शीरे में। इसको बहुत अच्छे से इसलिए सुखाना है क्योंकि हमें ना ये स्टोर करना है, क्योंकि काफ़ी महीने तक जो है शीरा चलता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सुखाना है। खाने में ना इसका टेस्ट जो है गेहूँ के शीरे से हल्का सा अलग होता है। तो चलिए अब शीरा बनाते हैं। देखिए एक बाउल मैंने ये शीरा लिया है, उसमें टेस्ट के अनुसार मैंने चीनी ऐड की है, और अब इसमें ऐड करेंगे पानी। आप यहाँ पे ना दूध भी ऐड कर सकते हो। तो फाइनली चार दिन के बाद देखिए हमारा शीरा बनके तैयार है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आज मैं कंप्लीट बनाऊंगी। तो ये देखिए भीगने के लिए मैंने रख दिया था, इसमें चीनी मैंने ऐड की है स्वाद के अनुसार। बस इसको अब पैक करके रख लेंगे, तो कभी भी आप एक साल इसको जो है या दो साल जो आराम से खा सकते हैं। बस थोड़ा सा डालना, इसको भीगने के लिए डालना, उसमें चीनी ऐड करनी और बना लेंगे। इसको बनाते कैसे हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ। ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं ये मेरे इंडोर प्लांट है। तो आज है संडे और आज मैं इनमें पानी डालती हूँ, और फिर जब पानी पूरा निकल जाए ना तब फिर मैं इनको रखती हूँ। तो इस तरह से पानी इनमें एक हफ्ता जो है चल जाता है, अंदर रखते हैं कमरे में। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाते हैं शीरा। तो
तो शीरा को बनाया जाता है देसी घी में, और देखिए ये मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में, और इसको ना चलाते रहना है क्योंकि स्टार्टिंग में शीरा जो है ना वो नीचे कढ़ाई में लग जाता है। वैसे तो मैं ये नॉन स्टिकी कढ़ाई में बना रही हूँ, अगर आप सिंपल कढ़ाई में बनाओगे ना तो बस उसको जो है ना फटाफट से चलाते रहना है। और साथ में मैं पीस रही हूँ इलायची। इलायची का जो फ्लेवर है वो हर रेसिपी में जो है बहुत अच्छा आता है, और साथ साथ में मैं ये चलाती भी रह रही हूँ क्योंकि ये वाला काम ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ देखिए ये किशमिश। किशमिश को मैंने भीगने थोड़े देर के लिए रखा था, और ये मैं अब इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ। और आप किशमिश और बादाम वगैरह कोई भी आप ड्राई फ्रूट इसमें डालना हो वो ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं डलता है, तो आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भीगने डाला हुआ था तो भीग के मैं देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट के ये ऐड कर रही हूँ। और अब इसको फिर से चलाएंगे। इसको जो पकाने का काम है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है, बहुत आराम से इसको पकाना होता है। और इसका हम कैसे पता करें कि हमारा शीरा जो है पक जाए, तो इसके लिए जो है आपकी कड़छी जो है ना जब शीरा छोड़ दे और घी छोड़ दे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है शीरा जो है वो बन गया है। और ये देखिए इस तरह का शीरा ये बना है। और चावल का शीरा जो है वो तासीर में ठंडा होता है और हेल्दी भी होता है। तो जी ये देखिए चावल का शीरा कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह से ना हम चावल का शीरा बना सकते हैं। 4 से 5 दिन की इसमें प्रोसेस रहती है, और अगर आपको पसंद है तो गेहूं का शीरा वैसे बनता है पर चावल का ना इस तरह से बनता है ये देखिए। और अपने मर्जी के अनुसार इसको बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपको लिक्विड फॉर्म हलवा के फॉर्म में चाहिए तो आपको पानी इसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपको सूखा सूखा बनाना है तो पानी थोड़ा सा हल्का सा रखिए। तो बस ऐसे ही ये बनता है, और इसमें आप पानी की जगह ना दूध भी ऐड कर सकते हैं, वैसे भी इसको बना सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये चावल की शीरा की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप कौन सी हिमाचली रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं बना के जरूर दिखाऊंगी, जैसी भी बनेगी आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनली कुक नहीं हूँ। तो चलिए जैसा भी बनता है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, नया एक्सपीरियंस मुझे भी मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको अगर कोई रेसिपी जो है वो देखनी है, तो हिमाचली रेसिपी देखनी है, कोई वो और रेसिपी जो है वो देखनी है। मैं भी खुद ट्राई भी करूंगी, आपको भी दिखाऊंगी कौन सी उसकी उसमें कमियां अगर कोई रह गई है या कैसी बनी है। तो बस ऐसे ही मिलके जो है हम ट्राई करेंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।